भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी भी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत ही देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वही है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच व मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी में सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है, मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएंगे सिर्फ चार दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह समझ और समझदारी पर। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद को बुराइयां सुननी भी जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या फिर धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर ही करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर व्यक्ति ब्याज सहित लौटाता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, मगर आज का काम अच्छा करके अपने भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, और जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, बस हर हाल में जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती ही रहती है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान ना होना, बस सही समय का इंतजार करना, क्योंकि समय जरूर बदलता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह दो ही कारण देगा, पहला तो मेरी किस्मत ही खराब थी और दूसरा मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान चीज होती है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए माना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप भी होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा,
कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखिए। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वो आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्खों से कभी विवाद मत करो, मूर्खों से विवाद पर नुकसान आपका ही होता है। ऐसे के साथ बहस पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी, इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देती है। जहाँ जिसका दाना पानी होता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, सब अपने अपने हक का ही खाते हैं। केवल दो ही चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती हो। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।